में करोड़ों डाउनलोड से चीनी कंपनियां मोटी कमाई कर रही है। सरकार ने ऐसे करीब 59 चीनी एप्स को सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बैन भी कर दिया है। आखिर फ्री ऐप से कंपनियां कैसे करती है कमाई, क्या है इनका रेवेन्यू मॉडल, आइए जानते हैं। ज्यादातर फ्री ऐप गूगल प्ले स्टोर या आईफोन के ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं और सब्सक्राइबर को इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होती। असल में ऐप कई तरीके से पैसा कमाते हैं। इनमें एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन, रेफरल मार्केटिंग, इन ऐप परचेज, सब्सक्रिप्शन, स्पॉन्सरशिप, क्राउड फंडिंग, ई कॉमर्स आदि शामिल है। कुछ ऐप कमाई के लिए अपने कुछ यूनिक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि टिकटॉक कहता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा सर्विस फीस से आता है। लेकिन ये सर्विस फीस क्या होता है, इसका टिकटॉक ने कोई खुलासा नहीं किया। आज ऐसे ऐप लोगों के जीवन का आधार बन गए हैं। ऐप से लोग सामान ऑर्डर करते हैं, शहर में ट्रैवलिंग के दौरान रूट मैप देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, चैटिंग करते हैं या वीडियो बनाकर कमाई भी करते हैं। एक अनुमान के अनुसार गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर 6 करोड़ से ज्यादा ऐप होंगे। साल 2020 में इन सभी ऐप के संचालकों की कमाई 190 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले ज्यादातर फ्री ऐप ही हैं। करीब 98% डाउनलोड फ्री ऐप के ही होते हैं। ज्यादा कमाई गेम वाले ऐप की होती है। एक अनुमान के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 ऐप में से 8 गेम वाले ऐप हैं। इनमें कैंडी क्रश, सैग, फ्लश ऑफ कैलेंस आदि शामिल हैं। एडवर्टाइजिंग, ये ऐप के लिए रेवेन्यू हासिल करने का सबसे प्रमुख तरीका है। एक अनुमान के अनुसार 70% ऐप ऐसे विज्ञापन वाले ऐड देते हैं जिनमें उनको प्रति डिस्प्ले या इम्प्रेशन यानी प्रति क्लिक के हिसाब से भुगतान मिलता है। ये ऐड कई तरह से ऐप का इस्तेमाल करते समय आ सकते हैं, जैसे बैनर ऐड, 10-30 सेकंड के वीडियो ऐड, इंडस्ट्रियल ऐड जो अक्सर पॉप अप के रूप में आते हैं, नेटिव ऐड जो ऐप में नेचुरली इंटीग्रेटेड होते हैं, इंसेंटिव वाले ऐड जिनमें कई ऐप रिवॉर्ड देते हैं यानी कस्टमर जब ये ऐड वाले वीडियो देखते हैं तो उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। रेफरल मार्केटिंग, कई ऐप अपनी कमाई के लिए रेफरल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत किसी कंपनी या प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, कंपनी के बारे में जानकारी ऐप में किसी जगह दी जाती है और जब सब्सक्राइबर वहां पर क्लिक करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। इस क्लिक के आधार पर ऐप कमाई भी करता है। इन ऐप परचेज और ई कॉमर्स, भारत में जियो व्हाट्सएप के द्वारा इस तरह की सुविधा शुरू करने वाली है। इसमें आप किसी ऐप के द्वारा शॉपिंग कर सकते हैं, इसे प्रीमियम ऐप मॉडल भी कहते हैं। इसमें किसी ऐप पर सीधे ई कॉमर्स या किसी कंपनी का लिंक होता है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें ऐप की मालिक कंपनी को कमीशन मिलता है। ईमेल मार्केटिंग, ऐप इस तरह से भी कमाई करता है। वो ग्राहकों का ईमेल और अन्य डेटा दूसरी कंपनी को देते हैं और फिर उन ग्राहकों को ईमेल के द्वारा कई तरह के उत्पादों कंपनियों के बारे में जानकारी वाले मार्केटिंग ईमेल भेजे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल, बहुत से ऐप फ्री नहीं होते हैं और वो सब्सक्रिप्शन मॉडल के आधार पर कमाई करते हैं। इसमें ज्यादातर प्रीमियम म्यूजिक या वीडियो वाले ऐप होते हैं, जैसे गूगल म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम आदि। कई न्यूज ऐप भी इस मॉडल पर काम करते हैं। इसमें सब्सक्राइबर से हर महीने एक निश्चित रकम ली जाती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।